कामिनी जी का आज का भी वीडियो आया और उसमें भी कमेंट्स काफी पॉजिटिव हैं। जैसे कि कल के वीडियो में सारे लोगों ने बोला था कि आप कंट्रोवर्सी से रिगार्डिंग कुछ भी मत बोलो, अपने नॉर्मल वीडियोस दिखाओ और गिव अवे की तैयारी वो कर ही रही है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे और थैंक यू सो मच। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए, मैंने सोचा मैं वीडियो पे बात कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी लोग इनको पॉजिटिव कमेंट्स करे हैं क्योंकि इन्होंने गिव अवे कुछ चीज़ें बताई हैं कि उस हिसाब से कुछ सिलेक्टेड लोगों को, कुछ सिलेक्टेड व्यूअर्स को ही, जो चाहे वो साड़ियाँ हों या जो भी इनके गिव अवे चेंज होते रहेंगे उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसके लिए उनको कुछ 5 कॉमेंट्स करने थे। ये पहले का था, पता नहीं शायद चेंज कर दिया इन्होंने, वो अभी तक बताया नहीं क्योंकि आपको पता ही है इनके घर पे जीजा जी और इनकी सिस्टर आए हुए हैं, तो वहीं पे ये लोग थोड़ा बिजी भी हैं इस टाइम। इनके वीडियो में आज आपने देखा भी था और गिव अवे में आज इन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि लोग इस टाइम, मैं वो सब चीज़ें भेजूंगी, आप लोग मुझे करते रहो कि इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना और वो सब साड़ियों का है। आज इन्होंने एक पैकिंग खोलते हुए एक मंगलसूत्र दिखाया था जो कि स्टोन लगा हुआ था, हालांकि अपना भी जब उन्होंने दिखाया था लोग डिज़ाइन पूछते हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था कि ये जो मंगलसूत्र है ये मैं दूंगी और इसके कुछ अलग रूल्स होंगे। तो मेरे को भी, जहाँ तक मुझे पता है, कि जो मंगलसूत्र वगैरह होता है ये नहीं देते हैं। लोगों ने भी इनके कमेंट सेक्शन में इनको सजेस्ट किया है और तो आई थिंक आप इस चीज़ को, इस मंगलसूत्र के अलावा और भी आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो आप गिव अवे में दे सकते हो, राइट? साड़ियाँ वगैरह तो दे सकते हो, बाकी ज्वेलरी में कुछ और दे सकते हो बेशक, राइट? तो इनका टाइटल है, कुछ लोगों का साथ मेरे लिए इस तरीके से है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड मेरी ऐसी पहचान है, जानकर प्राउड फील हुआ। आज कैमरा कमेंट पढ़ के सुकून मिला, आज पता चला मेरी एक सच्चाई ये भी है। कामिनी सिंह की चालाकी, तो चालाकी क्या है, चालाकी उसकी भी बात करूंगी। बाकी यस, मैंने भी इनके कुछ कमेंट्स पढ़े आज जो कि मैंने देखे, काफ़ी लोग पॉजिटिव, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। और साथ साथ जो इनका एक, मतलब जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, जैसे देवरानी के मैंने कई बार देखे हैं कि उनके अगेंस्ट कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में थे, तो जब से इन्होंने बोला है कि नॉन कंट्रोवर्शियल आपको कमेंट्स करने हैं, तो लोग काफ़ी हद तक, इनके कमेंट सेक्शन बहुत क्लीन हो गया है। मैंने पहले भी ये सब चीज़ें बोली हैं कि दोनों को अपने कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करके, ब्लॉक करके रखने चाहिए। इससे क्या होगा ना, जो एक दूसरे के प्रति कुछ चीज़ें जो हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, जो कमेंट्स करते हैं उनकी वजह से, वो नहीं होंगी, ना ही आप उनको हार्ट दे पाएंगे और इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट नहीं होगी, राइट? तो चलिए मैं बात करती हूँ। आज इन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कल के वीडियो में भी, जिस तरह से इन्होंने शंख बजाते हुए कवर किया था, आई थिंक स्टार्टिंग में ही वीडियो में। तो देखिए, मैंने कई मतलब जगह सुना भी है कि ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं वीडियो में, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना और पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें होती हैं, शंखनाद है ना। तो वहाँ पे मैंने देखा है जो देवरानी जी हैं, यानी कि निकी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप निकी बोलते हो, तो देखिए मैं देवरानी जी बोलूँ, निक्की जी बोलूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि वो मुझसे छोटी ही हैं, राइट? तो इसलिए मैं इनको, उसको निकी बोल देती हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के साथ वो करती हूँ। तो रिस्पेक्ट मेरा दोनों के लिए ही है क्योंकि दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगती है, तो मेरे को ये बात क्लियर करने की ज़रूरत थी, राइट? तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ अच्छा लगता है वीडियो, ठीक है। बाकी इनके घर में जो जीजा जी आए, उनसे थोड़ा इंटरेक्शन करते हुए दिखाया है कि उनके फ्रेंड्स भी मेरा वीडियो देखते हैं, और जिस तरह से बोल रहे थे कि वो लोग भी मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, कुछ ज्ञान मिलता है। देखिए, मैंने हमेशा से बोला, अगर कोई डेटा खर्च करके आप लोगों का वीडियो देखा है, चाहे ये हो इन्फ्लुएंसर हैं या आज के टाइम पे इनको लोग देखते हैं, इनसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं, इनकी परिस्थितियों को अपने पे काफ़ी लोग इनसे जो रिलेट करते हैं, राइट? तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप कुछ अच्छा दिखा सकते हो। जैसे मैंने इनको जब देखना शुरू किया था, एक मैंने पाल फैमिली का भी एग्जाम्पल दिया था कि उनका और इनकी फैमिली को मैं, जैसे छठ पूजा के व्लॉग्स मैंने देखे थे, ठीक है। तो आप लोग एक अच्छा, एज अ इन्फ्लुएंसर, एक अच्छा मैसेज अपनी फैमिली का आप दो, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, है ना। क्रिएटिव चीज़ें अपने व्लॉग्स में लाओ, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करो, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। बाकी मैं जानती हूँ क्योंकि ये लोग, देखिए, रोज़ डेली व्लॉगर से मेहनत तो दोनों को ही करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत है, राइट? तो
उनकी वाइफ भी देखती है इनके वीडियोस जो बता रहे थे जीजा जी, तो बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर इन्होंने कुछ खाने वगैरह की बात की है कि मैं बना देती हूँ खाना, बाकी दोपहर को मोस्टली नहीं खाते हैं कोई। मैंने आज पापा को मतलब इनके ससुर जी को भी बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं खाना नहीं खाना, बाकी मम्मी ने लिट्टी खा ली थी। अच्छा, इसके बाद ये जैसी मजाक करते हुए दिख रही थी कि मैंने जब मुझे मैं सोच रही थी कि मैं ऊपर आके आराम से थोड़ा रेस्ट करूँ, सुबह से खड़ी हुई थी। देखिए ऑफकोर्स कुकिंग का काम हर घर में जब कोई रिलेटिव आता है, आपके घर में गेस्ट आते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है। तो फिर मेरे को था कि मैं थोड़ा ऊपर आके सो जाऊंगी, लेकिन फिर ससुर जी ने कह दिया कि एक कप चाय दे दो। तो होता है कई बार अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो ना, तो आपको बहुत ऐसा नहीं है कि आपको हर इंसान के हिसाब से अपने आप को कहते हैं ना एडजस्ट करना पड़ता है, और ऐसे आप नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से, आपको टाइम भी दूसरे के हिसाब से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका जब मन मर्जी हुआ कि आप चले गए और सो गए, ठीक है, और घर में आपके स्पेशली जब गेस्ट भी आ रखे हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी इनके वीडियो में नॉर्मल ही था रूटीन। इन्होंने गिव अवे का बताया और खाने में व्रत का खाना तैयार कर रही थी क्योंकि ट्यूसडे का फास्ट था। आई थिंक ट्यूसडे का कुछ लोग रखते हैं, इनके जीजा जी का फास्ट था, हनुमान जी का जो व्रत रहते हैं कुछ लोग, तो उसका वो कुछ प्रिपेयर भी कर रही थी, बना रही थी। और इनका आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, इन ऑल बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था, और घर का भी थोड़ा बहुत दिखा, इन्होंने ज़्यादा तो नहीं दिखाया, कल के वीडियो में इन्होंने हल्का फुल्का दिखाया था। बाकी वही जो गिफ्ट्स अनपैकिंग वगैरह कर रही थी, जिसमें इन्होंने मंगलसूत्र दिखाया, हालांकि मंगलसूत्र का गिव अवे नहीं करना चाहिए, मैंने इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा और जहाँ तक मैंने भी सुना है नहीं देते हैं। बाकी कल के जो इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ने के लिए ये खुद कह रही थी कि मैं पढ़ूंगी किसी वीडियो में, और मेरा मन था कि मैं एक एक कमेंट पढ़ूं, क्योंकि कल के सही में वाकई बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। और पाँच पाँच कमेंट्स करने हैं हर वीडियो पे, उसके हिसाब से आप शायद दूसरे गिव अवे का ये कुछ तैयारी करेंगी, तो उसके लिए कुछ अलग असाइनमेंट होगा। बाकी यस, मैं कुछ कमेंट्स इनके वीडियो से लेना चाहती हूँ, जो कि वाकई आज भी मैंने इनके कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ठीक है। तो जीजा जी ने भी इनकी तारीफ ही करी थी, जो ये ऑन कैमरा की कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल मुझको लगता है कि दूर दूर से अगर आपके रिलेटिव्स फैमिली भी देख रहे हैं ना, तो वो लोग अच्छी चीज़ें देखें, ठीक है, उन लोगों को अच्छी चीज़ें कुछ किसी कोई अगर देख रहा है तो उसको सीखने को मिले, तो कुछ ना कुछ मैसेज मिलना चाहिए वीडियो के थ्रू, चाहे आपकी शॉर्ट्स हो। अच्छा, कुछ इन्होंने कमेंट एक पिन किया है कि अजीत जी जैसे सपोर्टिव पर्सन मैंने कहीं नहीं देखे दी, आपको हमेशा अच्छा रास्ता दिखाया है, कभी भी किसी गलत काम के लिए बढ़ावा नहीं दिया, दिल से सैल्यूट। काफी लोग इनसे यही कह रहे थे कि आप बहुत लेट वीडियो डालते हो, आज आप जल्दी डाल दिया करो। और दी, आप एक कैमरा ले लो, आपके फ़ोन में काफ़ी स्टोरेज प्रॉब्लम हो रही है पता चले। अच्छा, आईफोन में भी कई बार स्टोरेज आपकी जो गैलरी या फिर वीडियोस वगैरह बना के थोड़ा हम लोग सोचते हैं उस टाइम हमने डिलीट कर लिया, लेकिन नहीं, वहाँ से परमानेंट डिलीट नहीं होता है, आपको फिर से सेटिंग्स में जाके डिलीट करना पड़ता है एक्चुअली में, तो वो स्टोरेज स्पेस थोड़ा निकल पाता है। काफ़ी लोग यही कह रहे हैं, कल भी इनके कॉमेंट सेक्शन में ही आ रहा था, किसी कॉन्ट्रोवर्सी में मत पढ़ो। अब इनके भी मेरे ख्याल से 5 लाख होने वाले हैं, और उधर जो निकी है उनके 8 लाख होने वाले हैं, तो उनको भी सब लोग यही कह रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी खत्म करो, अपने नॉर्मल वीडियोस लेकर आओ, ठीक है। तो इनको भी, इनके सब्सक्राइबर्स भी यही कह रहे हैं, आप आगे बढ़ गई कंट्रोवर्सी से तो जब आगे ही रहना, पीछे मुड़कर मत देखना, फालतू चीज़ों में माइंड डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होगा, वेल डन, आप सही चल रहे हो, इसलिए लोग चल रहे हैं। गाइस, टुमारो अजीत भाई का बर्थडे है, सो हम स्पेशल करते हैं नाइट में 12 o'clock में, सभी भैया को विश करना। तो आई थिंक कल सेलिब्रेशन, अब पता नहीं ये लोग किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, वैसे इनके घर में अभी आपको पता ही कुछ टाइम पहले है ना, जैसे कि इन लोगों ने बताया था, इन लोगों की वीडियोस में हमने देखा है, तो सेलिब्रेशन होता है नहीं होता है क्या होगा ये लोग कल ही पता चलेगा। जल्दी इंटीरियर कंप्लीट करके पूजा रखो, वन ऑफ द मोस्ट वेल बिहेव्ड यूट्यूबर हु हैज़ मेंटेन्ड हर डिग्निटी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं आपने जीजा जी से ज़बरदस्ती की तारीफ कराई। आप हंसती हैं तो सब हम सब के देखकर मुस्कुराते हैं, और आपको जरा सा भी इमोशनल देख के गला भर के आप भी बात करते हो, पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आता है। दी, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आपके लिए, आपके हर व्लॉग्स पे आप इतनी तारीफ करवा ही लेती हो अपने सब्सक्राइबर से, अपने शब्द हमारे मुंह में डालती कैसे हो। तो इस तरह के कॉमेंट्स भी आ रहे हैं, बाकी आज बिल्कुल नेगेटिव कॉमेंट्स इनके
कमेंट सेक्शन में नहीं है, हार्ड वर्किंग, पैशनेट फॉर हर एम एंड अ वेरी रिस्पेक्टफुल. जिस तरह से लोग इनके वीडियो का वेट कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइम से लोग इतना ज़्यादा इन्हें पसंद करने लगे हैं, ठीक है, इनकी वीडियो का वेट करते हैं. और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमारे पानी चढ़ रहा है और मैं आपकी वीडियो का वेट कर रहा था. मैंने एक कमेंट पढ़ा था, ठीक है, और उनके कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा था कि मैं वेट कर रही थी आपके वीडियो का. और एक खाना है ना, मेरी वाइफ ने खाना नहीं बनाया है कुछ ऐसा आपकी वीडियो को देखने के चक्कर में. तो मैंने देवरानी जी के कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी इनके भी कमेंट सेक्शन में पढ़ा था. एक बात और थी, काम ही नहीं थी लाइफ में ना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड ये चीज़ें मैटर करती हैं. सब आपके पास है और बाकी लोगों से भी मिलता रहेगा, तो कभी मत सोचना कि सब्सक्राइबर इंक्रीज हो तब आप सही हैं. बिल्कुल नहीं, आप सही हैं, बस इतना काफ़ी है. तो हैप्पी रहो, मस्त रहो, मज़ा आता है. तो आज का यही इनका वीडियो है, नॉर्मल रूटीन वीडियो है, गिव अवे का बताया है, मस्ती मजाक करते हुए. और धनुआ जो इनका बेटा है उसको स्कूल जैसे लोग ड्रॉप करते हैं मोस्टली, वो भी क्लिप बनाते हैं. तो मैंने सोचा एक छोटा सा आज इनके वीडियो में, बस एक सिंपल वही इनका रूटीन था, कॉन्ट्रोवर्सी से दूर, पॉजिटिव कॉमेंट्स. और सब लोग यही कह रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी मत करिए. वहाँ पे भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े उनकी लाइफ के नीचे, जहाँ पे उनको भी लोग यही कह रहे हैं कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाइए, लोग कॉन्ट्रोवर्सी नहीं देखना चाहते हैं, अपनी सिंपल वीडियोस रखिए. अब इनके घर में भी कुछ सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, जैसे उन्होंने भी लाइफ में बोला था है ना, बेटी का बर्थडे आने वाला है. और इनके कमेंट सेक्शन में आपने देखा जो अभी कामिनी जी के हस्बैंड का बर्थडे है, तो ये लोग मनाते हैं नहीं मनाते हैं वो तो हमें इनकी वीडियोस में ही पता चलेगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय. और कहाँ से देख रहे हैं वीडियोस जरूर लिख देना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर.